नमस्कार दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और इन्फॉर्मेशन वीडियो जिसमें हम बात करेंगे सोलर पैनल के बारे में। आपको पता है कि सोलर एनर्जी कैसे काम करती है और हमारे इन्वायरमेंट के लिए ये कितनी ज़रूरी है, तो बने रहिए हमारे साथ क्योंकि आज हम एक्सप्लोर करेंगे सोलर पैनल की वर्किंग, बेनिफिट एंड फ्यूचर पॉसिबिलिटीज़ के बारे में। अगर आप भी क्यूरियस हैं और इको फ्रेंडली सोल्यूशन के प्रति इंटरेस्टेड हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू घंटिया वर्ल्ड। तो आज हम अपने इस वीडियो में जानेंगे कि 1 किलोवाट सोलर पैनल लगाने में हमें कितने खर्च करने होंगे। सोलर पैनल आज हर किसी की जरूरत बनता जा रहा है क्योंकि बिजली का बिल पहले के मुकाबले काफी ज्यादा आने लग गया है और हम भी अपने घर में ज्यादा बड़े उपकरण का उपयोग करने लग गए हैं, जैसे कि वॉशिंग मशीन, कूलर, एयर कंडीशन एक्सेट्रा। तो जितनी ज्यादा उपकरण का उपयोग करेंगे उतनी ज्यादा बिजली का बिल आने लगे। तो इसी बिजली को बिल को कम करने के लिए आप सोलर पैनल का उपयोग कर सकते हैं। सोलर पैनल बिजली के बिल को कम करने के साथ साथ आपकी बैटरी बैकअप भी देता है। तो जिसको 1 किलोवाट का सोलर सिस्टम अपने घर में लगाना है उसके लिए ये जानकारी होने वाली है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। 1 किलोवाट सोलर पैनल लगाने में कितना खर्च आएगा। सोलर सिस्टम के अंदर कई अलग अलग प्रोडक्ट का उपयोग किया जाता है जिसकी कीमत अलग अलग होती है। तो सभी प्रोडक्ट की अलग अलग कीमत हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, जिससे कि आपको पता लग जाएगा कि अगर 1 किलोवाट के पैनल लगाते हैं तो हमें कितना खर्च आता है। अब देखिए, मार्केट में आपको 3 तरह के सोलर पैनल देखने को मिलते हैं जिसकी कीमत अलग अलग होती है। तो अगर आप अपने सोलर सिस्टम के लिए सोलर पैनल लेना चाहते हैं तो नीचे आपको इन तीनों की कीमत के बारे में बताया गया है। तो चलिए इन तीनों के कीमत के बारे में जानते हैं, जिससे कि आपको अंदाजा लग जाएगा कि कौन सा सोलर पैनल आपके बजट के अंदर आता है और कौन सा आपके लिए ज्यादा सही रहेगा। पहला पॉलीक्रिस्टलाइन सोलर पैनल, दूसरा मोनोपर सोलर पैनल, तीसरा बाइफेशियल सोलर पैनल। अगर आपका बजट कम है तो आप पॉलीक्रिस्टलाइन सोलर पैनल ले सकते हैं और अगर आपका बजट अच्छा है तो आप मोनोपर्स पैनल ले सकते हैं और सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी का सोलर पैनल चाहिए तो आप बाइफेशियल सोलर पैनल ले सकते हैं। हालांकि तीनों ही सोलर पैनल 1 किलोवाट की सोलर पावर जनरेट करेंगे। ऐसा नहीं है कि आप 1 किलोवाट की पॉली पैनल लेते हैं तो वह कम बिजली बनाएंगे और 1 किलोवाट की मोनो पैनल ज्यादा बिजली बनाएंगे। अगर आप अपने पुराने इन्वर्टर बैटरी के ऊपर सोलर पैनल लगाना चाहते हैं तो आपको एक सोलर कंट्रोल की आवश्यकता होगी और मार्केट में अलग अलग कंपनी अलग अलग सोलर चार्ज कंट्रोल बनाती है जिसकी कीमत अलग अलग होती है। तो चलिए हम उसके बारे में भी जानते हैं। पहला स्मार्टन PWM 12 वाट से 24 वाट, दूसरा स्मार्टन MPPT 12 वाट और 24 वाट, तीसरा एस पावर सूर्या 60 वाट 24 वाट सिस्टम। अगर आप एक बैटरी पर 1 किलोवाट के सोलर पैनल लगाना चाहते हैं तो स्मार्टन कंपनी का PWM टेक्नोलॉजी का सोलर चार्ज कंट्रोल ले सकते हैं और अगर आप दो बैटरी पर 1 किलोवाट के सोलर पैनल लगाना चाहते हैं तो आप आशा पावर कंपनी का सूर्य सोलर कंट्रोल ले सकते हैं। 1 किलोवाट के सोलर पैनल लगाने के लिए आपको इन्वर्टर की आवश्यकता होगी और मार्केट में आपको कई ऐसे इन्वर्टर देखने को मिल जाते हैं जहां पर आपको एक बैटरी वाले इन्वर्टर भी 1 किलोवाट पैनल लगा सकते हैं या दो बैटरी वाले इन्वर्टर पर भी 1 किलोवाट की पैनल लगा सकते। लेकिन इसके अलावा मार्केट में सोलर पावर में भी आपको दो टेक्नोलॉजी देखने को मिलती है, पहला PWM, दूसरा MPPT। अगर आपका बजट कम है तो आप PWM टेक्नोलॉजी का सोलर इन्वर्टर ले सकते हैं और अगर आपका बजट और फीचर ज्यादा लेना चाहते हैं और एडवांस लेना चाहते हैं तो आप MPPT टेक्नोलॉजी का इन्वर्टर भी ले सकते हैं। एंड अदर हैंड मार्केट में आपको कई अलग अलग कंपनी की सोलर बैटरी देखने को मिलती है और लगभग सभी कंपनियां एक जैसी साइज में ही बैटरी बनाती है। अब देखिए, मार्केट में आपको कई अलग अलग साइज के अलग अलग कंपनी की सोलर बैटरी देखने को मिलती है और लगभग सभी कंपनियां एक जैसी साइज में ही बैटरी बनाती है, जैसे कि तो आप अपनी जरूरत के अनुसार किसी भी आकार की बैटरी ले सकते हैं। वैसे ज्यादातर 150 एम्पीयर की बैटरी का उपयोग किया जाता है जो कि आपको मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाएगा 15,000 से 20,000 के अंदर में। अब देखिए, इसमें एक प्रॉफिट ये भी है कि आप अपने पुराने इन्वर्टर को भी 1 किलोवाट की सोलर पैनल लगाने का खर्च कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि पुराने इन्वर्टर पर सोलर पैनल लगाने के लिए आपको सोलर चार्ज कंट्रोल की आवश्यकता होगी जो कि आपको मार्केट में कम से कम 3,000 रुपए तक मिल जाएगा। इसके अलावा पॉली सोलर पैनल आप लगभग 28,000 रुपए में मिल जाएंगे और इसके साथ में आपको स्टैंड एंड वायर लगानी पड़ेगी जिसका खर्च लगभग 5,000 रुपए तक आएगा। तो आपका लगभग कुल खर्चा 36,000 तक या फिर थोड़ा उससे ज्यादा आएगा और ये सबसे कम का सोलर सिस्टम होगा अगर आप इसमें मोनो परसेक्स टेक्नोलॉजी के साथ जाते हैं और MPPT टेक्नोलॉजी का सोलर चार्ज कंट्रोल लेंगे तो ये खर्च लगभग 40,000 से 45,000 तक जा सकता है। तो चलिए हम बात करते हैं कि 1 किलोवाट सोलर सिस्टम
कि कॉस्ट विथ बैटरी में कितनी आती है। अगर आप अपने घर में एक नया सोलर सिस्टम लगाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको सोलर पैनल देने होंगे और पॉलीक्रिस्टलाइन सोलर पैनल आपको मिलेंगे लगभग 28,000 में और सोलर इन्वर्टर आपको मिल जाएगा लगभग 12,000 में। लेकिन बैटरी की कीमत आपके इन्वर्टर पर निर्भर करेगी। अगर आप एक बैटरी वाला इन्वर्टर लेंगे तो वहां पर आपकी बैटरी की कीमत लगभग 15,000 और दो बैटरी की कीमत लगभग 30,000 तक होगी। तो हम ऐसे अगर बात करें तो सोलर इन्वर्टर 12,000, सोलर बैटरी 15,000, सोलर पैनल 28,000, एक्स्ट्रा 5,000, तो टोटल 60,000। अगर आपका बजट कितना है तो आप एक नया सिस्टम लगा सकते हैं, और अगर आपका बजट इतना नहीं है तो आप अपने पुराने इन्वर्टर बैटरी पर भी 1 किलोवाट की सोलर पैनल लगाकर अपने पैसे बचा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बिकॉज ऐसे ही सोलर पैनल से रिलेटेड सारी जानकारियां हम डेली बेसिस पे लाते रहते हैं। और अगर आपको अपने घर पे सोलर पैनल लगवाना है तो आप हमारे इस टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।